राउंड जीरो मींस लाउड पूरा एसपीएल में आ जाता है तो लाउड सेटअप ही है एक तरीके का। ये थोड़े शीशे नीचे करके घूम रहे हो ना पता लगे गाड़ी में सिस्टम लगा हुआ है। मोहल्ले में पता लगे कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे हमारे साथ हमारे प्रिय मित्र जो कि साहिल जी है वो आ चुके हैं। साहिल जी के बहुत सारे आपने रूप देखे, टर्टल पे देख लिया, मिस्टर मैटी वाले में देख लिया। साहिल जी आज यहाँ कैसे हैं? यहाँ आज हम अपनी जान को थोड़ा और अपग्रेड करने आए हैं, आउटपुट लगवा रहे हैं। यहाँ क्यों? स्पेशलिस्ट के पास ही आए हैं। अच्छा, जो डॉक्टर होता है जिस चीज़ का उसी के पास आना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। साहिल जी क्या क्या लगने वाला है? जैसे कि आपको पता है राहुल भैया स्टोर पे सारे ब्रांड अवेलेबल है। ओके, डीडी है, फ्लक्स है, मर्करी है। ओके, सब ब्रांड्स का मैंने आउटपुट सुना हुआ है। ओके, सारे सब ब्रांड्स का, सारी मेरी फेवरेट ब्रांड है वैसे तो, लेकिन जो मेरा टेस्ट है वो थोड़ा लाउड की तरफ है। ओके, तो मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग मेरे को ग्राउंड जीरो बेटर लगता है। ओके, ग्राउंड जीरो बेटर लगता है। ग्राउंड जीरो पे अब मैं चाहूंगा यहाँ पे कुंवर भाई आए। कुंवर भाई आ जाओ, आप थोड़ा सा ग्राउंड जीरो के बारे में बताओ। साहिल भाई को जो पसंद है ग्राउंड जीरो है, बट आखिर ग्राउंड जीरो क्या है थोड़ा बताओ। देखो राहुल भाई जो है ना, साहिल को सारी नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में, वो देखता रहता है, म्यूजिक लवर है एक्चुअली में। तो मैंने उसको कोई गाइडेंस नहीं दी क्या लगाने को, कह भैया मेरी प्रेफरेंस यही है कि मैं ग्राउंड जीरो इंस्टॉल करूंगा। अच्छा, तो मैंने ग्राउंड जीरो की उसके टाइटेनियम सीरीज के कंपोनेंट इंस्टॉल कर रहा हूँ और उसका टाइटेनियम सीरीज का ही एमोशनल एम्पलीफायर डाल रहा हूँ। okay. थोड़ा सा डीडी मिक्स कर रहा हूँ बीच में, मोनो जो यूज कर रहा हूँ मैं वो डीडी का कर रहा हूँ। ओके, और सब ऊपर भी ग्राउंड जीरो का ही है, मोनो में थोड़ा हैवी डाल रहा हूँ डीडी का इसीलिए क्योंकि वो कह कि और भैया लास्ट में मेरा हो सकता है कि मैं वो ऊपर डबल करा दूँ। अच्छा, डाइसी माना फिर भी। हाँ, ऊपर मैं और हैवी करा दूँ तो मैं कहा पहले सुन लो, अगर लगेगा तो हम उसी मोनो के ऊपर हम डबल ऊपर कर देंगे। ओके ओके, कुंवर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, टाइटेनियम सीरीज जो है शायद मिड की सीरीज है, बीच की सीरीज है, मैं दिखा देता। दिखाना बहुत जरूरी है, बातें तो कर ही रहे हम लोग, दिखाए बिना बातचीत नहीं बनेगी। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कहाँ पे ये ग्राउंड जीरो के। ओके, ये कंपोनेंट्स हैं, इसके साथ जो हम एम्पलीफिकेशन यूज कर रहे हैं वो भी ग्राउंड जीरो की है। ओके, फोर चैनल वो ये है। ठीक है, और नेक्स्ट इसके साथ दो पेयर कंपोनेंट हो गए। हाँ, फोर चैनल ग्राउंड जीरो का हो गया, मोनो जो यूज कर रहा हूँ वो डीडी का 1000 नंबर यूज कर रहा हूँ। ओके ओके, तो यहाँ पे हमको 1000 RMS देखने को मिलेगा। 1000 RMS मिलेगा, पर वो पर सिंगल ही है। अच्छा, वो डाइसी, वो डाइसी है। तो साहिल ने बताया कि नहीं गुगल भैया मेरे और लाउड करना है तो हम डबल कर देंगे, तो मैं ऊपर भी दिखाया था जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ इसमें। तो थोड़ा सा आपको इधर की तरफ आना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं भी आ जाता हूँ। साहिल भैया आ जाओ यार, सब ऊपर हमारा घेरा। ओके, पूरा तैयार है। इसका जो लोगो मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है, 3D लोगो है ये यार, काफी अच्छा ब्रांड है ग्राउंड जीरो का और जर्मन कंपनी है। हाँ, तो वैसे आपको जर्मन जब नाम जुड़ जाता है तो इट मीन्स की समथिंग इज इन क्वालिटी। बिल्कुल सही बात है। कंपोनेंट की मिड भी येलो है तो इसलिए मैंने येलो सब ऊपर चूज किए, मिड भी येलो है तो इसलिए मैंने येलो सब ऊपर चूज किए। अगर कोई भी कर लेते वैसे तो कर लेते, येलो येलो मेरी गाड़ी से मैच कर रहा है। हाँ, वो भी रिक्वायरमेंट तो देखो यार ग्राउंड जीरो की थी सारी। अच्छा, देखो हर चीज की स्पेसिफिकेशन वगैरह भी, मैं लाउड सुनना हूँ तो लाउड तो देखो ग्राउंड जीरो मीन्स लाउड पूरा एसपीएल में आ जाता है, तो लाउड सेटअप ही है एक तरीके का। अभी हम सुनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। अभी जो इनकी गाड़ी में हो रहा है वो एसपीएल पूरा सेटअप हो रहा है और एक एसक्यूएल सेटअप भी आता है जो साउंड क्वालिटी लेवल होता है। एसपीएल होता है साउंड प्रेशर लेवल, एसपीएल जनरली जो लोग लगाते हैं जो एक लाउडनेस सुनना चाहते हैं, जो हम जैसे लॉन्डे वगैरह होते हैं जो दूसरे को सुनाना चाहते हैं, यंगस्टर्स के लिए, जो टीनएजर्स हैं, ये सेटअप उनके लिए तैयार हो रहा है। बिल्कुल सही बात, इनको लाउड सुनने का कि भैया थोड़े शीशे नीचे करके घूम रहे हो ना पता लगे गाड़ी में सिस्टम लगा हुआ है। मोहल्ले में पता लगे कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तो वो सिनेरियो साहिल जी को पसंद था, वही चाहिए था ना। चाहिए वही चाहिए। तो अब चलते हैं गाड़ी की तरफ। आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं, काम तो हम सारे दिखा रहे हैं, होते कैसे यार, ये चीज लग कैसे रही है, जान की बात है, जान पे हो कैसे रही है, सारी बात गाड़ी की तरफ चल के करते हैं। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट, मेक श्योर आपने वीडियो लास्ट से देखी है तो आ जाओ। तो कुंवर भाई आप चलते हैं गाड़ी के पास, आखिर दिखाते हैं काम कैसे होता है। तो राहुल भाई जैसे कि हमेशा प्रीवियस वीडियो में यही दिखाते हैं कि हमारे कंपोनेंट्स इंस्टॉल हो गए हैं, हमारी डैम्पिंग इंस्टॉल हो गई है, तो अभी बिल्कुल रॉ कार है जिसमें हमने कुछ भी इंस्टॉल नहीं करा है। आज हम सारी इंस्टॉलेशन इसमें दिखाने वाले, मतलब काम कैसे होता है, काम कैसे होता है, वायरिंग किट्स कैसे डाली जाती हैं, हमारी कॉपर वायर स्पीकर्स की कैसे यूज करी जाती हैं, आज सब वो दिखाएंगे पहले। क्योंकि प्रीवियसली आपने देखा होगा कि स्टिंगर की जो वायरिंग लग गई है, डैम्पिंग हो गई है, स्पीकर इंस्टॉल हो चुके हैं, बट आखिर वो होते कैसे है, ये पूरी चीज होती कैसे, डन वगैरह होती कैसे, वो सारी बातें करेंगे। तो दिखाते क्या क्या स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। कुंवर भाई आज पीछे की तरफ दिखाना दिखाते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होगे पूरा एज इट इज खुल चुका है, हमारा जो डिग्गी है वो भी खुल चुकी है। जैसे कि आप देखते हो हमारे जो प्लास्टिक
प्लास्टिक पार्ट्स है वो बहुत हमें प्यार से और इजीली रिमूव करते हैं, क्योंकि नट के जो होते हैं या फिर लॉक्स होते हैं टूट जाते हैं। प्लास्टिक पार्ट्स के जो हमारे नॉक्स होते हैं अगर वो कहीं से ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो प्रॉपर फिटमेंट दोबारा नहीं हो पाएगी, फिर आपको खड़ 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 की जो आवाज आती है ना, अगर ढंग की जगह से काम ना कराओ तो यही दिक्कत आप एंड ऑफ द डे फेस करते हो। अच्छी जगह से कराने का बहुत जरूरी है, अगर नहीं कराओगे तो कभी भी काम बढ़िया नहीं होगा, सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे, कहीं से भी काम करा लो। बिल्कुल, फिटमेंट में पहले ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात। तो आप थोड़ा इधर की तरफ आ जाओ, और भाई आ जाओ आ जाओ। तो इधर की तरफ जो हमारे कंपनी फिटेड स्पीकर आते हैं वो निकल चुके हैं, इसमें डैम्पिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, अभी प्रॉपरली वायरिंग डाली जा रही है। पहले वैसे फर्स्ट स्टेप तो हमारा ऑब्वियसली सबको जैसे पता है, प्रीवियस वीडियो में बताया कि फर्स्ट स्टेप हमारा डैम्पिंग का ही होता है। ओके, तो अभी इसमें सबसे पहले डैम्पिंग होगी, फिर हमारी वायरिंग स्पीकर वायर्स डलेंगी जो कि हमारी स्टिंगर की है। स्टिंगर की है, एग्जैक्टली स्टिंगर की स्पीकर वायर्स यूज करेंगे। वायरिंग किट जो हमारी एम्पलीफिकेशन की है वो भी स्टिंगर की है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें दिखाई जाएंगी। होती कैसे, आपकी गाड़ी में काम कैसे हुआ, क्योंकि जैसे कि आपने देखा हमारे प्रिय मित्र जो कि साहिल जी है, उनकी गाड़ी है, उनकी गाड़ी मतलब जान, आपकी गाड़ी मतलब जान, सबकी गाड़ी मतलब जान, तो होता कैसे सबकी जान में काम। आ जाओ इधर आ जाओ थोड़ा सा और। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्पीकर वगैरह प्रॉपर ढंग से निकल चुके हैं। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, जो कंपनी फिटेड शीट आती है जो कि इतनी सी होती है, उसको हटाने के बाद प्रॉपर ढंग से क्लीन करा जाता है। क्लीन का रीजन क्या है, जितनी भी डस्ट वगैरह पार्टिकल्स वगैरह, मैं बताया था, अगर हम इसको क्लीन नहीं करेंगे ना तो इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स इतने होते हैं जो हमारा केमिकल जो बुटाइल हम बोलते हैं जो हमारा डैम्पिंग के अंदर होता है वो प्रॉपर स्टिक नहीं होगा। तो इन फ्यूचर जो कंप्लेंट्स आती है कि भैया मेरी डैम्पिंग रिमूव हो गई या वो केमिकल लीक हो गया या मेरी मैंने डोर खुलवाया तो सारा बाहर, बिल्कुल सही बात है, उस चक्कर में हमारे को क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारी जो स्पीकर वायरिंग है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। स्पीकर वायर ब्रदर, बेसिकली जब हम एम्पलीफिकेशन इंस्टॉल करते हैं ना तो हमारे को स्पीकर वायर अलग से करनी पड़ती है। ओके, हाँ, क्योंकि देखो अगर हम स्टॉक रिप्लेसमेंट करते हैं तो हम उसके कपलर्स लगाते हैं और स्पीकर फिट कर रहे थे उसी जगह से होकर, तो इसके अंदर हमारे को नए तरीके की गाड़ी की कोई वायरिंग नहीं छेड़ते हम, क्योंकि नई गाड़ी होती है डरता है हर बंदा, क्योंकि वारंटी अवॉइड होने का डर रहता है, कोई भी वायर जो है उसकी पील कर देते हैं, तो हम गाड़ी की कोई वायर नहीं छेड़ते, अलग नहीं एडिशनल वायर डालते हैं, एडिशनल वायर डालते हैं। और इसके अंदर जो अभी ये क्या है कि कंपोनेंट्स की सारी वायरिंग जो है वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि हमारी स्टिंगर की है, स्टिंगर की है कॉपर वायर का जो कि 16 गेज की आती है, प्रॉपर यहाँ पे ले जाया जाएगा, यहाँ पे आएगी और पीछे के जो हमारे प्लेसमेंट होती है इधर की तरफ उधर भी आएगी। तो अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि प्रॉपर हिडन रहती है क्योंकि एक प्रोफेशनलिज्म यही दिख जाता है, अगर वायरिंग दिख रही है तो काम आखिर किया क्या यार गाड़ी में, काम आखिर काम ऐसे तरीके से होना चाहिए कि सबको इंस्टॉलेशन भी हो जाए और पता भी लगे कौन सी चीज कहाँ से जा रही है और कैसे इंस्टॉल हो रही है, आउटपुट जो आता है ना फिर वो गदर का आता है। इसके बाद हमारा क्या स्टेप रहता है ब्रदर, बेसिकली क्या है कि इसमें देखो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि भैया जो भी मुझे जो एम्पलीफिकेशन है सबको डिस्प्ले में चाहिए, तो हम सब कुछ बूट में फिट कर रहे हैं। ओके, नहीं तो हम जैसे प्रीवियस वीडियो में दिखाया कि हमारी सीट्स वगैरह हमेशा खुली होती है, इसमें सिर्फ पीछे की सीट खुली है, रेयर सीट खोली है क्योंकि सारा सेटअप जो हमारा जितनी वायरिंग जो हमारी रेयर बूट में चले जाएगी और सब सिर्फ एम्पलीफिकेशन डिस्प्ले में दिखेगा प्लस सिर्फ हमारे जो कनेक्शन है दैट्स इट और कोई वायरिंग नहीं दिखेगी। तो मतलब सारा सेटअप जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा सब कुछ एवरीथिंग इज इन द बूट, सब कुछ डिस्प्ले में आएगा, ऊपर भी हमारा एम्पलीफिकेशन भी सब डिस्प्ले में। ओके, अब आप देखोगे कैसे वो इंस्टॉल होता है। नेक्स्ट प्रोसेस जो अपना डैम्पिंग का है, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा डैम्पिंग का है। ओके, तो मैं दिखाएंगे कि डैम्पिंग कैसे इंस्टॉल करें, कैसे इंस्टॉल होती है और कैसे लगाया जाता है, क्या क्या प्रॉपर प्रिकॉशन लिए जाते हैं डैम्पिंग लगाने के लिए, क्योंकि एक मुंह उठा के डैम्पिंग लगाना कोई बड़ी बातचीत नहीं है भाई, कोई भी लगा देगा, बट एक प्रोफेशनल के पास आप आए हो तो डैम्पिंग कैसे लगाई जाती है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डैम्पिंग का प्रोसेस पूरा भाई हम बात ही कर रहे थे वो स्टार्ट हो चुका है, बेसिकली स्टार्ट हो गया रेड रोड से, उन्होंने डैम्पिंग स्टार्ट कर दी है पहले, तो प्रॉपर क्लीन करा जाता है पूरा मेटल पार्ट ताकि डस्ट हमारी बिल्कुल रिमूव हो जाए, उसके बाद इसको पेस्ट किया जाता है, फिर हम रोलर से उसको प्रॉपर स्टिक कर देते हैं। यार रोलर क्या है मेरे को बताओ। ब्रदर रोलर ये है कि मार्केट में क्या होता है कि लोग हथौड़ी यूज कर देते हैं, एक बार दिखाना भैया, भैया एक मिनट दिखाना, स्क्रू ड्राइवर यूज कर देते हैं, उससे पेस्ट कर देते हैं, दबा देते हैं। ये बेसिकली इससे बताऊंगा कि एक्चुअल तरीका है इसको लगाने का, ये हमारे को कंपनी प्रोवाइड करती है, हमने खुद से नहीं रोलर बनाया हुआ। ओके, ये डैम्पिंग के साथ कंपनी से ही आता है, तो ये तरीका होता है कि हमें रोलर से उसको प्रॉपर स्टिक करना चाहिए रादर देन स्क्रू ड्राइवर हो गया या फिर पेचकस हो गया उससे हम कर रहे हो, तो प्रॉपर एक तरीके से काम होता है, काम कहीं भी हो सकता है बट तरीके वाला काम आपको हमेशा जैंक्स कार वर्ल्ड देखने को मिलेगा। और आज आप देख के खुद कमेंट करना कि आखिर काम कैसा लगा आपको, कमेंट कर दिया करो यार, प्यार दिखाया करो और सब्सक्राइब भी करो, सब्सक्राइब करो यार, मोटिवेशन मिल जाती है। चलते हैं अब जैसे जैसे चारों दरवाजे हमारे डन होते रहते हैं।
तो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट चीज हो रही है वो वायरिंग हो रही है। अंदर की तरफ हमने वायरिंग दिखा दी, अब बेसिकली कोर भाई ये एम्पलीफिकेशन की वायरिंग। ओके ओके, मेन जो करंट जो जाता है उस वायर से ही जाता है उसके। ओके, और हम इसमें 4 गेज वायरिंग किट्स यूज करते हैं, 4 चैनल पे भी और मोनो ब्लॉक पे भी। ओके, और जो मैं फिटिंग है जैसे हमारा मोटिव इंस्टॉलेशन दिखाने का, तो मैं दिखा देता हूँ कि जो हम वायरिंग जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हम प्रॉपर स्लीव्स भी यूज करते हैं। इससे क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहती है वायर। अगर आप कंपनी की वायरिंग देखोगे उस पे भी हमारी स्लीव्स लगी है दिस वन, तो इस चक्कर में हमें स्लीव्स वगैरह प्रॉपर यूज करता हूँ कि कार्बन वगैरह जो इसमें आ जाता है उससे प्रोटेक्टेड रहती है, डस्ट नहीं जाती। ओके, प्रोटेक्टेड रहेगी वायरिंग उतना लंबा चलेगी, उतना लंबा चलेगा। और इवन आपको बताना चाहूंगा सेम एज इट इज कंपनी वाला हिसाब किताब हो रहा है, तो आप समझ सकते हो अगर कंपनी की कोई वायरिंग अगर ऐसी दे रहे हैं तो उसकी लाइफ लॉन्ग क्या रहती है। एग्जैक्टली, और मैं एक और चीज बताता हूँ कि जो हमारी वायरिंग किट्स के फ्यूज भी आते हैं जो मार्केट में लगाते नहीं है, लगाते नहीं है बिल्कुल भी, तो डायरेक्ट लगा देते हैं तो शॉर्ट हो जाता है एम्पलीफायर, इसलिए होता है यार मेरा एम्पलीफायर फूक गया यार। हमेशा फ्यूज वगैरह लगाने चाहिए, इससे क्या होता है कि कहीं पर भी कोई चीज हीट करती है या करंट फ्लो ज्यादा हो जाता है, कोई भी तरीके का कोई शॉर्टेज होती है, ओके, तो हमारा फ्यूज शॉर्ट होता है। तो कल को सिर्फ इसमें हमारा फ्यूज चेंज करो, दोबारा वायर लगाओ, तो हमारे प्रोडक्ट को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर कुछ शॉर्टेज हो जाएगी, प्रोडक्ट खराब हो जाएगा तो कोई यूज नहीं है। कस्टमर का लगता ही है कि भैया मेरे इतनी महंगी चीज थी और खराब होगी, फिर मैं डांस करता हुआ आऊंगा। तो यहाँ पे दो फ्यूज लगाए जा रहे हैं, एक हमारा मोनो के लिए लगाया जा रहा है और एक 4 चैनल के लिए। तो जैसे ये पूरा काम डन होता है, नेक्स्ट क्या रहेगा इसके बाद हमारा? नेक्स्ट इसके बाद डैम्पिंग हमने दिखा दी, डैम्पिंग दिखा दी, वायरिंग्स दिखा दी, प्लेसमेंट प्लेसमेंट दिखाए थे कि कैसे प्रोडक्ट कहाँ प्लेस करें, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे कुंवर भाई ने कहा और साहिल जी की जो रिक्वायरमेंट थी, मेरे को डिस्प्ले में चाहिए भाई, शोबाजी वाली गाड़ी है, डिस्प्ले में चाहिए। तो आखिर डिस्प्ले में कैसे होता है वही दिखाते हैं हम आपको आगे। जैसा कि आपने देखा हमारी जो डैम्पिंग थी उस टाइम लग रही थी, इन बिटवीन लगते हुए भी हमने दिखा दी आखिर लगती कैसे, अब पूरी फाइनलाइज हो चुकी है। वायरिंग हमारी जो स्पीकर वायरिंग है वो भी हमारी डन हो चुकी है, इवन जो हमारी एम्पलीफायर की वायरिंग है वो भी डन हो चुकी है। सारा प्रोसेस आपने देख लिया, अब मेन चीज जो हमारी गाड़ी में साउंड लेके आ गए, स्पीकर। बिल्कुल सही सुना आपने, अब स्पीकर लगेंगे, लगेंगे, लग नहीं गए, कैसे लगते हैं कोर भाई वो हमने दिखाना है। तो जैसे ही स्पीकर लगने का प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता तब दिखाते हैं। इधर की तरफ भी आप देख पा रहे होंगे एम्पलीफायर स्टिल हमारे इन प्रोसेस है, उसको लगाना चल रहा है। और इवन यहाँ से हमारी जो स्पीकर का है वो जो लास्ट वायरिंग रहती है इधर की तरफ, वो भी हमारी प्रॉपर डन हो चुकी है। कोर भाई अब बस मेरे को स्पीकर दिखाओ कैसे लगते हैं, क्योंकि सब भाई का वही क्वेश्चन आखिर स्पीकर लगने ही स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम उनको दिखाए थे कि वो किस तरीके से इंस्टॉल करे जाए। अब यहाँ पे जो हमारा फाइनल प्रोसेस है स्पीकर लगने का, वो लगेंगे, मतलब हमारे कंपोनेंट जो लगेंगे वो ये आ चुके हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और भाई क्या खास बात है इस कंपोनेंट की, क्वालिटी वाइज नो डाउट बहुत अमेजिंग लग रहा है यार। देखो ग्राउंड जीरो ब्रांड है, प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है बेसिकली। थोड़ा सा ना ये मैं कहता हूँ हाइलाइटेड चीज रखते हैं अपनी, जैसे आप फोन वगैरह देख रहे हैं येलो कलर की है, इवन जो ऊपर भी था ना उसमें थ्रेडिंग जो थी ना येलो में, तो उनका पेटेंट है येलो, जो उनका कलर है पेटेंट ही समझ लो, कि हर प्रोडक्ट पे येलो मार्किंग दी हुई है। ओके, काफी सुंदर लगता है, ब्यूटीफुल है देखने के अंदर, और प्रीमियम क्वालिटी ब्रांड है तो ऑब्वियसली यार कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमें देखने से मतलब नहीं, हमें कैसी आवाज आती है। देखो ये तो जब आपने पूछा तो मैं एक्सप्लेन करूं, देखो देखने में कुछ भी हो सब अंदर बंद हो जाता है, मेन गेम है आउटपुट की। बिल्कुल सही, वेट करो कि ये किस तरीके से आउटपुट देंगे वो हम आपको सुनाएंगे। तो जैसे ये गाड़ी में प्लेस करते हैं हमारे भैया जी, तब फाइनल आपको दिखाते हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमारे स्पीकर वगैरह प्रॉपर ढंग से प्लेस हो चुके, कैसे प्लेस हुए, बिफोर लुक क्या था, आफ्टर लुक क्या है, वायरिंग वगैरह प्रॉपर आपने देख ली कैसे वो क्रॉसओवर के साथ पूरे के पूरे मर्ज हुए या फिर सेट हुए। पीछे की तरफ स्टिल हमारा काम चल रहा है, उधर की तरफ जो डोर है उधर की तरफ भी काम डन हो चुका है, इधर की तरफ भी स्पीकर हमारे डन हो चुके, बस क्रॉसओवर की प्लेसमेंट चल रही, क्योंकि हमारे फ्रंट और रियर डोर में कंपोनेंट ही चल रहे हैं। ट्विटर की जो प्लेसमेंट है वो हम शायद जो साइड मिरर में स्पेस आती है उधर की तरफ ही करेंगे। अब थोड़ा आपको एम्पलीफायर की तरफ दिखा दो, जो तसला बारूद है इधर की तरफ आ जाओ आप लोग, तो इधर की तरफ वो चीज सेट हो चुकी है, प्लेसमेंट जो हमने करी है इधर की तरफ करी है। इसके नीचे जो प्रॉपर आप इधर से देखोगे तो फट्टा लगाया जाता है ताकि वो एज इट इज फिट हो सके,
ये देखो भाई, क्योंकि हमारी जो किया सेल्टोस की सीट है वो 60-40 रेशियो में आती है, तो प्रॉपर इधर 4 चैनल और हमारा मोनो सेट हो चुका है, वायरिंग वगैरह प्रॉपर ढंग से डन हो चुके हैं, नीट एंड क्लीन काम आपने देख लिया होगा, बट लास्ट में आपको जरूर दिखाऊंगा और साहिल जी का फीडबैक जरूर लेंगे कि यार काम कैसा लगा, क्योंकि गाड़ी को लेके जैसा उन्होंने जान कहा था काफी थोड़े से सीरियस टाइप की रहती है, गाड़ी में कुछ होना नहीं चाहिए, तो जैसे जैसे काम डन होता रहता है वैसे वैसे मैं आपको दिखाता रहता हूँ। अब यहाँ पे जो वूफर है गाड़ी का वो आ चुका है, दरवाजे वगैरह हमारे प्रॉपर ढंग से पैक हो चुके हैं जैसे कि आप नोटिस भी कर पा रहे होंगे। अब जो हमारा वूफर है वो पीछे लगाया जाएगा, प्लेसमेंट हमारी सिर्फ वूफर की लगेगी और वूफर में क्या खास बात है, सिर्फ प्लग एंड प्ले टक टक, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमारा वूफर सेट भी हो गया भाई, ज्यादा कोई तामझाम नहीं है, वायरिंग वगैरह प्रॉपर ढंग से बेच चुकी है सब कुछ, जैसा मैंने कहा था जैंक्स कार वर्ल्ड पे आप आए हो तो प्रोफेशनली सारा काम होता है, इसमें जितने भी ऑडियो इंस्टॉलर देना लगे हुए थे भाई वो परफेक्टली काम कर रहे थे। ट्विटर की जो प्लेसमेंट हमने इधर की तरफ करी है, बहुत जगह आपने देखा होगा ट्विटर की प्लेसमेंट लोग इधर की तरफ करा लेते हैं, बट एक ऑडियो जो एक लवर है ना उसको पता है प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, जो कि जो किया सेल्टोस जैसी गाड़ी कॉम्पैक्ट एसयूवी हमारी गाड़ी है उसकी प्लेसमेंट इधर ही होगी, इवन हैचबैक की प्लेसमेंट भी इधर होगी, ताकि जो सराउंड साउंड है वो आपको बहुत परफेक्टली और बहुत प्यारे ढंग से देखने को मिले। अब मेन चीज रहती है जैसी कनेक्शन डन होते हैं टक टक फिर आपको आवाज सुना तो बस आवाज का वेट हो रहा है, तो मेक श्योर आपने वीडियो अगर यहां तक देख रहे हो तो लाइक करके जरूर जाना, अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में हमको जरूर फॉलो करना, और यहां तक वीडियो देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि भाई एक ही चीज कहना चाहूंगा आप सब्सक्राइब कर तो यहां तक देख रहे हो तो भाई एक मोटिवेशन मिल जाती है, और लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको टिल नाउ कैसी लग रही है। यहाँ पे हमारा डन हो चुका है फाइनली कोर भाई, अब फाइनल बातचीत मैं चाहता हूँ कि गाड़ी में जब जितने मेरे भाई के पास जान है आखिर पता चले इस जान में कैसा सेटअप हुआ है सुना देते हैं, उसके बाद ही बात करते हैं, तो चलते हैं गाड़ी के अंदर आपको आवाज सुनाते हैं आखिर आवाज साहिल भाई की गाड़ी में कैसी आ रही है, तो चलते हैं गाड़ी के अंदर। हम लोग आप गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे आप कुछ डिफरेंस देखने को आपको क्या मिलेगा, अभी हम गाड़ी के अंदर आवाज सुनाएंगे फिर आपको गाड़ी के बाहर आवाज सुनाएंगे गेट खोल के, आखिर जो हमारा SPL सेटअप है आवाज कैसे आती है, क्योंकि SPL सेटअप बेसिकली कुर भाई लाउडनेस के लिए जाना है, लाउडनेस के लिए जाना है, कर दो प्ले शुभारंभ कर दो चलो। जैसा कि आपने देखा होगा फाइनली यहाँ पे हमारी जो किया सेल्टोस है उसका काम पूरा का पूरा डन हो चुका है, जैसा कि आप कुवर में पीछे देख पा रहे इतने सारे वूफर भाई, क्या सीन है, बस थोड़ा स्पेशलाइज करना था तो ये रखने भी जरूरी है तो अंदर तो आपने देखे होंगे, तो हमने सोचा एक बाहर आपको दिखाया झलक है क्या आखिर अंदर हमारे। अब मेन चीज की तरफ चलते हैं जो हमारे प्रिय मित्र है साहिल जी, साहिल जी काम आपने सारा कुछ देख लिया, आप भी थोड़े वहमी टाइप के इंसान हो, काम थोड़ा ढंग से होना चाहिए, फिटिंग वगैरह ढंग से खुलनी चाहिए, बट जहां हम आए थे जैंक्स
कार वर्ल्ड में, उसमें आप कोई झंझट ऐसा था नहीं। काम कैसा लगा वो बताओ। राहुल भैया एक मिथ है, आपको भी सुना होगा कि करोल बाग में काम अच्छा नहीं होता है। सबने सुना भी होगा, लेकिन आप किसी एक्सपर्ट बंदे के पास जाओगे, ओरिजिनल जहाँ सामान मिलता है, तो 100% सेटिस्फेक्शन लेवल आपको मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। जो सोचा था, जो सोच के आया था, उससे कुछ ज्यादा ही मिल गया है। जो सोच के आए थे उससे कुछ ज्यादा ही मिल चुका है। तो आप ये छोटी सी वर्ड बोले इन्होंने, बट इसका मतलब बहुत ज्यादा डीप था। जैसे कि आपने देखा होगा, साहिल जी आपसे एक चीज पूछूंगा, आवाज इसकी नो डाउट मैं सुना बहुत ही क्लियर है, बहुत बहुत ज्यादा क्लियर है। जब हम इधर गली में चलाएंगे ना, अगर अपनी घर की गली में, तो यार एक मोहल्ले को पता जाएगा। हाई लो मिड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बिल्कुल सही, ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। परफेक्ट सेटअप है यार बेसिकली। मतलब साहिल को मैंने पहले ट्यून करते सर गाड़ी में बिठाया, मैं कहा साहिल अपने मनपसंद का गाना चला पहले। हाँ, और मुझे पता क्या रिव्यूज है, कैसा लगा आउटपुट, तो ही वाज लाइक भैया मजा आ गया यार, जो मैं सोच के आया था ना उससे अलग ही चीज आ रही है। मजा आया ना। ग्राउंड जीरो की मैंने R&D भी करके आया हुआ था, मैं आपको पता है मेरे को ऑडियो का बहुत शौक है, मेरे को पता था, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा कॉम्पोनेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा वूफर है, बहुत ही सही मजा आया ना, बहुत ज्यादा अच्छी आवाज। ठीक है, तो दो तीन बार मैंने पूछे सही में मजा आया, कुंवर भाई कह रहे हो मजा है, ये कह रहे मजा नहीं आया, तो नहीं आता तो मैं उतरवा भी दूंगा। तो ये बात जैसे कि आपने, और इवन स्टार्टिंग में जो बात छेड़ी थी, वूफर बड़ा करना है, डाइसी सेवन है या ये वूफर, एक वूफर सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। साहिल जी अगली बार जब नेक्स्ट वीडियो मेरे साथ आओगे ना, आवाज के बारे में पूछूंगा सबसे, हमने तो मिलना ही रहना होता। सो गाइस जैसे कि आपने देखा होगा, सारा काम आपने देख लिया ए से जेड तक, क्योंकि आज की वीडियो में कुंवर भाई हमारा जो फोकस था, आखिर हो तो जाता है काम, होता कैसे है, मेन पॉइंट जो हमारा मुद्दे वाली बात थी कि कैसे होता है, वायरिंग कैसे होती है, स्पीकर इंस्टॉलेशन कैसे होती है, जो कि हमारे ग्राउंड जीरो के टाइटेनियम सीरीज थे, और जो हमारी सिंगर की वायरिंग थी जो बोनट से जाती है पूरी, फ्यूज वगैरह कैसे लगते हैं, सारे चीज के ऊपर फोकस था। डैम्पिंग भी दिखा दी थी, बट लगती कैसे वो आज हमने फोकस करके आपको दिखाया होगा। कुंवर जी किसी को इतना प्यारा प्यारा काम कराना कैसे आ सकता है, एक बार एड्रेस। इजी सिंपल एड्रेस है, हनुमान मूर्ति के पास आके सीधा मुझे या तो कॉल कर दो कि भैया मैं हनुमान मूर्ति पहुंच गया हूं, मैं वहां से समझा दूंगा। वरना इजी जो करोल बाग की तरफ हमारा वे जा रहा है, एंटर करते ही करोल बाग की तरफ आपको राइट साइड पे आपको मेरा शोरूम लोकेटेड है, इजीली मिल जाता है किसी को भी, कोई भी मतलब परेशानी नहीं कि भैया मेरे को शोरूम ढूंढने में परेशानी हो रही है, क्योंकि मेन रोड पे लोकेटेड है, तो इजीली अवेलेबल है लोकेशन। ओके, ज्यादा कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल लिंक मिल जाएगी, कहीं से भी आ रहे हो डायरेक्ट जैंक्स कार वर्ल्ड आप पहुंच जाओगे। कुंवर जी फोन नंबर भी 9810478 9811700800। कुंवर जी का नंबर यहां पॉप कर दूंगा, इवन डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कोई से भी गाड़ी का कोई सा भी डाउट XYZ आप डायरेक्ट कॉल या फिर व्हाट्सएप करके क्लियर कर सकते हो। बट मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे साहिल जी विजिट कर रहे थे, उनको गाड़ी जो थी उनकी किया सेल्टोस, आपके पास XYZ गाड़ी कोई सी भी होगी, तो मेरे साइड जो रिकमेंड रहेगा वो शॉप पे विजिट करो, इंटरेक्शन करो, तब आपको ज्यादा क्लियरली पता चलेगा एज कम्पेयर टू कॉल पे। सही बात बोली, बिल्कुल सही बात, क्योंकि हम फोन पे पूछ लेंगे बट जब हम मिलेंगे नहीं ना, तब तक वो इंटरेक्शन बन नहीं पाएगा, जो कनेक्शन हम कहते हैं बिल्ड होना चाहिए। साहिल जी आपसे बात करना एक रह गया, एंड में क्या एक चीज बोलना चाहोगे काम के बारे में? बहुत ही जबरदस्त बेस है, जो चाहिए था बहुत बढ़िया लगा है सेटअप, आपको भी बोलूंगा कि रिकमेंडेड सेटअप है। मेरे को भी बोलो कि रिकमेंडेड सेटअप है, बट हम लोग कुछ और प्लान कर रहे हैं, देखते हो आगे क्या होता है। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए भी लाइक करे बिना मत जाना, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और यहाँ तक वीडियो देखी सब्सक्राइब करके जरूर जाना, शेयर नहीं करा दोस्त फैमिली तक फैला दो, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको आज की वीडियो, और साहिल जी का रिव्यू कैसा लगा, और साहिल जी की गाड़ी में काम कैसा लगा हमको जरूर बताना। अगर आपने आज की वीडियो देखी आपको क्या चीज पसंद आई जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताना, और आपकी गाड़ी में कौन सा ऑडियो सेटअप चल रहा है वो भी हमको जरूर बताना। अब आपसे मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कुंवर जी साहिल जी ऐसे करना है, ठीक है रेडी, अब मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन रेडी बाय। बोलो क्या कर दिया, कर दिया कि स्टार्ट स्टार्ट अगेन, जैसे कि पता आपको इस वापस से बोलो, ठीक है इसका बजे यही पोजीशन to keep it 100, it's all that I wanted, but lately I don't got the stomach, the higher the summit, the harder the plummet, they know me all over this planet, I'm just a man and I can't understand it, proud that I win and I did it myself, probably wouldn't if I got the help, hearing subliminal soul in myself, feel like I'm breaking, I'm falling to hell.